भोरंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायिका कमलेश कुमारी कोरोना सेनानियों के लिए अपने घर पर स्वयं मास्क तैयार कर रही है। विधायिका ने ये कार्य कर क्षेत्र की महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। विधायिका द्वारा तैयार किए जा रहे मास्क को जनता को सेवा में लगे पुलिस के जवानों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। विधायिका स्वयं सिलाई मशीन से मास्क बनाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक महीने का वेतन भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कमलेश कुमारी ने कहा कि विकट परिस्थितियों में भी लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। लोगों का सरकार का सहयोग करना चाहिए। कमलेश कुमारी का कहना है कि महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा योगदान लोगों को देना है। कमलेश कुमारी ने कहा कि जब भी देश पर संकट आता है तो महिलाओं की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इसलिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए महिलाओं को घर पर रहकर कोरोना सेनानियों को मास्क बनाकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग सामर्थ्य हैं वे खुलकर इस विकट परिस्थिति में गरीब लोगों की सहायता करें। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो सहयोग कर रही हैं। मैं अपने आप खुद मास्क बना रही हूँ और मैंने अपनी बहनों को भी प्रेरित किया है कि वो भी स्वयं अपने अपने घर में बैठकर मास्क बनाएं। और मेरी बहनों ने मास्क बनाए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनको मास्क बनाकर वितरित किए हैं। मैं उन बहनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में अपने एक महीने का वेतन दिया है। मैं सभी समाजसेवी संगठनों से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी अपना अपना सहयोग दें और इस कोरोना वायरस से हम लोग जो है वो निपट सकें। जब देश पे इतना बड़ा संकट हो तो हमारी भागीदारी और भी बढ़